मतलब बहुजन समाज के लोग ही कह रहे हैं कि बहन जी ने अंबेडकर के मिशन को बेच दिया है, बहन जी को छोड़ दो अब। अरे वो मनुवादी लोग हैं जो बहन जी पे इतना बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं। बहन जी ने जो किया है वो एक भी नेता आज ये बताया उन्होंने अपने जीवन काल में। कौन सी ऐसी महिला है कि जो बच्चा पैदा ना करना चाहती हो? कौन सी ऐसी महिला है जो अपनी शादी ना करना चाहती हो? कौन सी महिला ऐसी है कि ऐसो आराम अपने पूरे ना लेना चाहती हो? उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपनी पूरा जीवन निछावर किया है। ऐसी धन्य है वो बहन जी को, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनके नमन करता हूँ। उनके बराबरी से ऐसा कौन सा नेता है कि उनकी बराबरी पे आके उनकी तुलना की जा सके? आप बहन जी की तुलना योगी से कैसे कर सकते हो? 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो बहन जी ने गुंडा राज, वो जितना अच्छा राज, माफिया राज, जितना मतलब राज उन्होंने अच्छा राज चलाया है, मैं समझता हूँ इतना किसी भी आज तक कोई मुख्यमंत्री बने किसी ने ना चलाया और ना चला सकता है। योगी के राज में यदि बेटियां सुरक्षित थीं तो आधी रात को उस बेटी को क्यों जलाया गया हाथरस में? आप हमें इन लोगों के बीच में कह देना चाहता हूँ, बहन जी के शासन में प्रशासन में एक भी आप तो इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक भी घटना बता दो आप कि बहन जी के राज में एक भी घटना घटी हो, और मैं आपके योगी के राज में बता सकता हूँ। कहा जा रहा है कि अब बुआ जी को आराम करना चाहिए, बबुआ जी आ गए हैं, मतलब उनके भतीजे जी चंद्रशेखर जी आ गए हैं, तो क्या लग रहा है बुआ जी को आराम करना चाहिए वाकई में? नहीं नहीं, बुआ जी को आराम नहीं, ना तो वो आराम करने के लोग बोलते हैं ना तो वो आराम कर रही हैं, जबकि वो अपने राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसको लगातार चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई हैं, और जो उन्होंने एक नारा दिया था 50% का युवाओं का, उसके लिए हमारे युवाओं की धड़कन सम्मानित आकाश आनंद जी, युवाओं की जो एक चाहत है उस चाहत को लेकर के आज युवाओं का आपको जोश भी दिख रहा होगा, और बहन जी के निर्देशन में हम सारे युवा एक निर्देश पर सारे लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आप 24 में बहन जी को पीएम बनाना है? निश्चित है कि 24 में बहन जी इस देश की पीएम बनेगी। कहाँ से बन जाएंगी? उधर 30 से ज्यादा है, इधर 30 से ज्यादा? आपको बता रहा हूँ 30 से ज्यादा नहीं है। बहन जी ने जो बूथ पोलिंग से लेकर के और सेक्टर से लेकर विधानसभा तक जो संगठन को मजबूत किया है उसके तहत हम बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे 2023 में, और 2024 में दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो क्या लग रहा है कि बहन जी के राज में सुरक्षित रहेंगी बेटियां? लोग कहते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो बहन जी ने गुंडा राज, वो जितना अच्छा राज, माफिया राज, जितना मतलब राज उन्होंने अच्छा राज चलाया है, मैं समझता हूँ इतना किसी भी आज तक कोई मुख्यमंत्री बने किसी ने ना चलाया और ना चला सकता है। यूपी में कह रहे हैं भाजपा वाले कि योगी जी से पहले कोई भी सुरक्षित नहीं था, योगी जी के राज में बेटियां सुरक्षित है, सब सुरक्षित। योगी के राज में यदि बेटियां सुरक्षित थी तो आधी रात को उस बेटी को क्यों जलाया गया हाथरस में? आप हमें इन लोगों के बीच में कह देना चाहता हूँ, बहन जी के शासन में प्रशासन में एक भी आप तो इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक भी घटना बता दो आप कि बहन जी के राज में एक भी घटना घटी हो, और मैं आपके योगी के राज में बता सकता हूँ कि हाथरस का कांड और उन्नाव का कांड, उनका जो मंत्री और सांसद हुआ करता था उसने तो धड़ेआम उसको बचाने का कोशिश किया, जब दबाव पड़ा जनता का और आम अति मतलब प्रशासन शासन और उससे का नाम से अरे न्यायालय से जब उनको हुआ तब उनको गिरफ्तार किया गया, और जबकि बहन जी की सरकार में जाए बहन जी के पार्टी का क्यों नहीं हो, उसको भी बहन जी ने जेल भेजने का काम किया। तो आप बहन जी की तुलना योगी से कैसे कर सकते हो? लोग कह रहे हैं बहुजन समाज, मतलब बहुजन समाज के लोग ही कह रहे हैं कि बहन जी ने अंबेडकर के मिशन को बेच दिया है, बहन जी को छोड़ दो अब। अरे वो मनुवादी लोग हैं जो बहन जी पे इतना बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं। बहन जी ने जो किया है वो एक भी नेता आज ये बताया उन्होंने अपने जीवन काल में। कौन सी ऐसी महिला है कि जो बच्चा पैदा ना करना चाहती हो? कौन सी ऐसी महिला है जो अपनी शादी ना करना चाहती हो? कौन सी महिला ऐसी है कि ऐसो आराम अपने पूरे ना लेना चाहती हो? उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपनी पूरा जीवन निछावर किया है। ऐसी धन्य है वो बहन जी को, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनके नमन करता हूँ। उनके बराबरी से ऐसा कौन सा नेता है कि उनकी बराबरी पे आके उनकी तुलना की जा सके? तो क्या लग रहा है आप चंद्रशेखर को शामिल करने के लिए? वोट बढ़ चुका है पूरा, शामिल करना ऐसा है आप कुछ भी कहते रहें, बहुजन समाज पार्टी का वोट
ना बटा है ना बटेगा। चंद्रशेखर के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगा, वो तो चंद्रशेखर ही हैं। चंद्रशेखर का मतलब है कि मनुवादी व्यवस्था के आड़ में वो पीछे के दरवाजे से उन लोगों का काम करते हैं, बहुजन समाज के लिए हित में काम नहीं करते हैं।